पश्चिम एशिया, खास करके भारत, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से परेशान है। अपने लोगों को गंवाने के बाद भी पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आती। सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा समझता है? कल रात पीएम मोदी ने अमेरिका में कहा, भारत धैर्य रखता है और वक्त आने पर जवाब भी देना जानता है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती, विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। और इसलिए कि हम दुनिया को यह समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर पीएम ने कल ये साफ साफ कह दिया कि जब भारत दुनिया को आतंकवाद के बारे में समझाता था तो समझ नहीं आता था, लेकिन अब आतंकियों ने खुद दुनिया को अपनी ही परिभाषा बता दी है। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है, यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश, जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हम विश्व के कानूनों से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार है, हमारा स्वभाव है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, ये सिर्फ थोथे शब्द नहीं है, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है।